डिनोरा में कुछ स्विंग के लिए अपॉर्चुनिटी दिख रही है क्या? डिनोरा जी इसको एक बार आप सिंबल मेरे को बताएंगे तो मैं फिर चेक कर पाऊंगा। मेरा भी आज चार्ट थोड़ा स्लो खुल रहे हैं। DENORA डिनोरा इंडिया जी है। जी डिनोरा दीजिए। स्विंग के लिए स्टॉक में अगर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो स्टॉक में काफी अच्छा ब्रेकआउट तो मुझे देखने को मिल रहा है, लेकिन आज के सेशन में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ऑलरेडी 13.5-14% ऊपर है, तो इन लेवल्स पे आप रिस्क रिवॉर्ड नहीं बैठता, क्योंकि किसी भी स्टॉक को 13% अगर आप यहाँ से ऊपर बाय करते हैं तो स्टॉक में अगर 2-4% का अगर यहाँ से कूल डाउन भी आता है तो स्टॉप लॉस को हिट कर जाएगा, या फिर जो स्टॉप लॉस चार्ट के हिसाब से बनता है यहाँ से जैसे 770-73 पे चल रहा है तो स्टॉप लॉस बनता है यहाँ से 715 का बनता है, तो काफी दूर है। तो अगर किसी एग्जिस्टिंग पोजिशन है तो बिल्कुल होल्ड करते हुए चले, जैसे पहला टारगेट पहला जो मुझे रेजिस्टेंस चार्ट पे दिखता है 815 से लेके 850 के बीच का जो जोन है वो रेजिस्टेंस जोन है, तो फिलहाल इस स्टॉक को करंट लेवल पे तो बाय नहीं करना है, किसी का होल्ड ऑलरेडी बाय तो होल्ड रखे, लेकिन स्टॉक अगर 1-2 दिन कूल डाउन हो और अगर ये अब यहाँ 740 735 के आसपास मिले फिर स्टॉक को बिल्कुल 715 के स्टॉप लॉस से इसको बिल्कुल बाय किया जा सकता है 825 तक के टारगेट के लिए। ये है बिनोरा व्यू।